बच्चों की परवरिश एक ऐसी टेक्निक है जिसकी हमें कोई ट्रेनिंग नहीं मिलती। बच्चों के ज़िंदगी में आते ही हमारे एक्सपेरिमेंट्स शुरू हो जाते हैं और उनके लिए हम हर रोल प्ले करते हैं, और जब वो बड़े हो जाते हैं तो हमारा आईना बन जाते हैं जिन्हें देखकर पता चलता है कि हमने कहाँ गलतियाँ की हैं। पेरेंटिंग सिखाना इस वीडियो का मकसद नहीं है, क्योंकि हर पेरेंट अपने बच्चों के लिए बेस्ट करने की कोशिश करता है। तो फिर ऐसा क्या होता है कि बचपन में अपनी हर बात शेयर करने वाले बच्चे टीनएज में पहुंचते ही पूछने पर भी कुछ नहीं बताते? मेरे ख्याल से बच्चे चीज़ें शेयर करना तब बंद करते हैं जब हम उनकी पसंद की चीज़ों में नापसंदगी दिखाते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे टीनएज में हैं और उनमें भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं, लेकिन मैं इस वे में चीज़ों को हैंडल करती हूँ कि वो मुझसे दूर ना हो जाएं। 2 से 12 साल की एज तक मैंने अपने बच्चों के साथ ज़रूरत के अनुसार प्यार और सख्ती दोनों का इस्तेमाल किया, क्योंकि डिसिप्लिन लाने के लिए एक मदर को स्ट्रिक्ट पुलिस वुमेन भी बनना पड़ता है। कभी माँ और कभी फ्रेंड बनके उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। स्कूल से आते ही अपनी हर बात शेयर करना उनकी आदत है और सुनना मेरी। बेटे की एज 12 इयर्स है और यही उम्र है जब मैं उसे गर्ल्स की रिस्पेक्ट करना सिखा सकती हूँ। अगर हम अपने बेटों को ये समझा सकें कि बेटियों की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, तो आज जितनी भी ईव टीजिंग की प्रॉब्लम सोसाइटी में हो रही है शायद कम हो जाए, और गेम खेलते हुए ये सब शेयर करना इज़ मोर इफ़ेक्टिव। गेम्स इंडोर हों या आउटडोर, मैं उनके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। कल पता नहीं वो आउट ऑफ द सिटी सेटल होंगे या आउट ऑफ द कंट्री, कम से कम मुझे ये रिग्रेट नहीं होगा कि काश मैं उनके साथ वक्त बिता पाती। मेरी बेटी के साथ मेरा रिलेशन इतना स्ट्रांग है कि शी लव्स माई कंपनी। एक्चुअली वी बोथ लव ईच अदर्स कंपनी। जब भी वक्त मिले तो एक दूसरे के साथ गॉसिप करना हमें बहुत पसंद है। Yes, lady. What are you cooking? I'm cooking. Here is capsicum chicken and here is palak and egg. इसमें chicken कहाँ है? आज chicken थोड़ा सा था. Oh shit. आज chicken थोड़ा सा था तो मैंने इसमें capsicum वगैरह डाल के इसको थोड़ा बढ़ा दिया, और इधर मैं बना रही हूँ egg. I'll have this and you both can have that. Sure. Thank you. Maggie bol raha hai. Yes. Maggie. Sorry, it's a sheep. Snap. Snap. Yaar to sunti kyun nahi hai? Bas theek hai. Nahi sunna. ये मेंटल हॉस्पिटल से आई है। ओए, ये पागल को कान छुड़ा के लेके आया है। दफा हो। चमड़ी को पाएगी।
अपनी बेटी को कभी मैंने कहीं जाने से और किसी के साथ फ्रेंडशिप करने से नहीं रोका, बस टाइम के साथ साथ उसे सही गलत की पहचान करना सिखाया। आप पूरी उम्र बच्चों के पीछे नहीं जा सकते, क्योंकि जिस चीज़ को आप रोकेंगे उसे करने की क्यूरियोसिटी उनमें स्ट्रांग होती जाएगी। आप एक रास्ता बंद करेंगे, वो दूसरा रास्ता ढूंढ लेगा। सो रास्ते बंद करने से बेटर है कि उसे सही रास्तों की पहचान करना सिखाएं। और सही गलत की पहचान के लिए ज़रूरी है कि आपको बच्चों के फ्रेंड सर्कल के बारे में पता हो। तो मैं हमेशा वेलकम करती हूँ उनके फ्रेंड्स को, सो दैट शी कैन फील कम्फर्टेबल विद हर फ्रेंड्स इन फ्रंट ऑफ मी। और करियर बनाने के साथ साथ यही उम्र उनकी इंजॉय करने की भी है। और ज़रूरी नहीं कि घूमने फिरने वाले बच्चे अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, जबकि जितना वो फ्री माइंड रहेंगे उतना ही अपनी लाइफ में बेस्ट करेंगे। Say hi.